हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंपा। स्वागत है आप सबका फिर से तिरांकुश लर्निंग चैनल में। आज जो मैं लेकर आई बच्चों के लिए वो है जंबल टंबल और जंबल वर्ड्स। क्या है ये जंबल टंबल और जंबल वर्ड्स? ये क्लास वन के बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। क्या है, सबसे पहले हम जंबल वर्ड्स क्या है वो जान लेते हैं। जंबल वर्ड्स एक ऐसा वर्ड पजल है जिसके लेटर्स उल्टे दिए रहते हैं और उसे हमें सही करके एक वर्ड में लाना पड़ता है। ये एक गेम है, एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह का गेम है, पजल। जैसे हम बच्चों को पजल लेकर आके देते हैं, कोई एनिमल्स का, बर्ड्स का या किसी हाउस का, जैसे लाकर देते हैं हम, उसके ऐसे पार्ट्स रहते हैं, उसे बच्चे अरेंज करते हैं। वैसे ही ये जंबल वर्ड्स है जो बच्चे अरेंज करेंगे लेकिन लेटर्स को सही तरह से, उसे एक वर्ड बनाएंगे बच्चे। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, सपोज़ मेरे एक जंबल वर्ड्स के लिए मैंने बच्चों को दिया एक वर्ड आइसक्रीम का। ये मैंने एक पिक्चर्स बना हुआ, एक पिक्चर्स के थ्रू ये मैंने आइस, ये बच्चों को सबको पता है ये आइसक्रीम है, लेकिन मैंने इसका वर्ड स्पेलिंग इसका रॉन्ग लिखा है। जैसे सपोज़ मैंने लिखा है ऐसा लिखा। अब बच्चों को इसे अरेंज करना है सही दिशा में। कैसे लिखेंगे बच्चे? बच्चों को मालूम है आइसक्रीम है, तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आएगा आइसक्रीम है मीन्स आइस, फिर वो बच्चे लिखेंगे क्रीम, अरेंज करेंगे एक वर्ड में CREA। वो फ्रेंड्स मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए मुझे ऐसे तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे बच्चे अरेंज करेंगे आइसक्रीम। इसमें कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 8 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे वर्ड्स जो अनस्क्रम्बल है, मतलब इसको जो लेटर्स है ये आगे पीछे दिया हुआ है, तो इसे हमें एक वर्ड में लाना है, वो भी पिक्चर्स के थ्रू। बच्चों को सबसे पहले पिक्चर्स के थ्रू ही दिया जाता है क्लास वन में, तो ये पिक्चर देख के बच्चे बोल सकेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो देखते हैं अब इसके एग्जांपल। ये है जंबल टंबल, ये ऐसे कुछ पिक्चर्स बने हुए रहेंगे और यहाँ पर ऐसे वर्ड जो जंबल वर्ड्स यानी लेटर्स आगे पीछे दिया रहेगा, इसे हमें बच्चों को बोलना है इसके बरोबर आंसर लिखो। हाँ, किसी किसी में स्कूल में स्टार्टिंग लेटर भी दिया रहता है ताकि बच्चों को और आसानी हो, जो फर्स्ट लेटर के भी क्लास वन के बच्चों को इतना अच्छे से आएगा नहीं, इसलिए उसमें फर्स्ट लेटर दिया रहता है। आप चाहे तो फर्स्ट लेटर से भी सिखा सकते कि फर्स्ट लेटर दिया हुआ है तो बच्चे बरोबर उसे अरेंज करेंगे, और नहीं तो ऐसे में भी। अब जैसे फर्स्ट है, ये बच्चों को पिक्चर्स देख के पता चलेंगे। क्या पता चलेगा बच्चों को? ये है आउल, तो बच्चों को पता है आउल, तो बच्चे खुद ही लिखेंगे आउल, OWL आउल। ऐसे ही यहाँ पर अगर स्टार्टिंग लेटर दिया रहेगा तो बच्चों के लिए और आसानी होगा, टी से टाइगर होता है तो बच्चे करेंगे। अब ये सेकंड पिक्चर में दिया हुआ टाइगर, तो बच्चे कैसे लिखेंगे? टी, इसके बाद ये हो गया हमारा वन नंबर। अभी आई, ये हो गया टू, टाइगर ये हो गया थ्री, जी, अब ER, ऐसे बच्चे करेंगे। ये स्नेक है, बच्चों को पता है फर्स्ट लेटर का एस होता है, तो बच्चे करेंगे स्नेक, SNAKE। ये है पिक्चर देखकर ही बच्चों को पता चलेगा क्या है, ईगल, तो बच्चे करेंगे ई से होता है ई, तो बच्चे लिखेंगे EAGLE, ईगल। यहाँ पर दिया हुआ है एंट, ये देखकर ही पता चलेगा अरे ये तो एंट है, तो फर्स्ट लेटर भी दिया हुआ है तो बच्चे देख कर लेंगे एंट। अब ये देखते हैं, ये है वॉल्फ, डब्ल्यू से आता है तो WOLF वॉल्फ। ये क्या है? गोट, जी से तो जी, ये मेरा जी लिखा हुआ है, अभी OAT। गोट, GOAT, गोट। अब ये देख एक नंबर देख लेते हैं, ये क्या है वेप्स, इसको ये वेस्प,
ये एक तरह का इंसेक्ट है, ये बच्चों को इतना अच्छे से नहीं पता रहेगा, वो हमको बताना पड़ेगा। ये एक टाइप का इंसेक्ट है जिसे कहते हैं वैस्प, 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 कैसे, डब्ल्यू से स्टार्ट है लेटर, डब्ल्यू ए एस पी, वैस्प, वैस्प। और ये क्या है, स्पाइडर, जो घर पे ही होते हैं हम बच्चों को दिखा सकते हैं, स्पाइडर, एस, स्पाइडर, एस पी आई डी ई आर, ये एक वर्ड बन गया स्पाइडर। जैसे यहाँ पर लेटर ऊपर नीचे दिया हुआ है, पर ये एक हमने वर्ड बना दिया स्पाइडर, ऐसे ही वर्ड। अभी नीचे का हॉर्स, हॉर्स, बच्चे देखते ही समझेंगे, हॉर्स, हॉर्स, ऐसे वर्ड। अब पीछे देखते हैं, अब मैंने, अब इसमें जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग्स वाले जो बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे ये है फाइल, फाइल, एफ स्टार्टिंग लेटर, फाइल। ये है स्केल, पर स्केल को इंग्लिश में कहा जाता है रूलर, रूलर, आर, रूलर। पेंसिल्स, पेंसिल्स, बहुत सारे हैं, पेन, पी वर्ड लेटर स्टार्टिंग का पेन सिल्स, क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स, ये ग्लू, ग्लू, जी लेटर दिया हुआ, जी एल यू, ग्लू। सीजर, सीजर, ये स्पेलिंग बच्चों के लिए हार्ड रहता है, तो इसे हमें बच्चों को स्पेलिंग सिखाना पड़ेगा। सीजर, एस सी आई एस एस ओ आर एस, सीजर्स, एस सी एस सी आई ओ आर एस, एस सी आई एस एस ओ आर एस, सीजर्स, ओ सॉरी ये एस नहीं आएगा, सीजर। अब यहाँ देखते हैं, ये है कैलकुलेटर, ये भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा स्पेलिंग, कैलकुलेटर, कैल क्यू ले टर, ये क्या है, इरेजर, 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 ई आर ए एस ई आर, शार्पनर, ये ड्राइंग पिक्चर्स देखकर ही बच्चों को पता चल जाएगा ये क्या है, शार्पनर, एस एच ए आर पी ई एन ई आर, ये स्पेलिंग भी बच्चों को लर्न करवाना पड़ेगा। ये क्या है, स्टैपलर, एस एस, स्टैपलर, एस टी ए पी एल ई आर, स्टैपलर। ऐसे बच्चों को पिक्चर्स दिए रहेंगे, ऐसे वर्ड्स जो है लेटर उल्टे पुल्टे दिए रहेंगे, स्टार्टिंग लेटर लिखा हो रहेगा, बच्चों को लिखना है। अब थर्ड देखते हैं, ये फ्रूट्स के, ये फ्रूट्स के, ये क्या है, पैर, ये बच्चों को बहुत आसानी से आएंगे पैर, ग्रेप्स, ग्रेप्स, ये पिक्चर दिख कर ही पता चल जाएगा, ग्रेप्स, कैरेट्स, बनानास, जूस, जूस, ऑनियन, ऑनियन, पीस, पी से लेटर है पीस, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉ बेरी, पम्पकिन, कद्दू, पम्पकिन, ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल। ऐसे हमें बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू सिखाना पड़ेगा। इसके हम एक और इजी देखते हैं, जो हम बच्चों को ब्लैंक्स की तरह बच्चों को करना है वो देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द जंबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। हम बच्चों को इस ब्लैंक्स की तरह भी दे सकते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट मैंने दिया हुआ है, अमित वॉज ड्राॅइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, ही ऑल्सो ड्रू द डैश। अब यहाँ पर अमित ने एक ड्राॅइंग बनाई थी एनिमल्स का, उसके साथ साथ उसने किसका ड्राॅइंग बनाया, यहाँ पर मैंने कुछ बना हुआ पिक्चर बनाया पिक्चर्स, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है एन यू एस। अब बच्चे ये पिक्चर देखकर ही समझ जाएंगे, और इसमें फर्स्ट लेटर मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो इसको देखकर बच्चा क्या समझ जाएगा, ये क्या है, सन, सन, एस यू एन, सन।
और क्या बनाया उसने, द डैश, क्या है ये, देखकर स्टार्स, दो है स्टार इसलिए स्टार्स ऐसे। इन द अभी सेकंड देखते हैं, हिज फ्रेंड सॉ द पिक्चर, इसके फ्रेंड ने देखा पिक्चर, दे सॉ द डैश एंड द डैश, क्या देखा, अब बच्चे पहले तो पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में क्या लग रहा है, पीकॉक, हाँ पीकॉक बनता है ये लेटर के हिसाब से, तो पीकॉक एंड द डैश, क्या है ये, बटरफ्लाई, यहाँ द डैश एंड द डैश आर देयर इन द डैश। अभी सबसे पहले तो बच्चे पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में क्या है, रैबिट, रैबिट हो रहा है, हाँ आर ए बी बी आई टी, तो आर ए बी बी आई टी रैबिट, एंड द डैश पिक्चर देखे क्या समझ में आ रहा है, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस आर देयर इन द डैश, यहाँ पर क्या है ये, ग्रास, घास, तो ग्रास किससे होता है, जी, जी आर ए डबल एस ग्रास। इस पहले मैंने क्या दिया था, जो फर्स्ट लेटर भी दिया था पिक्चर्स के साथ, पर इसमें मैंने लेटर नहीं दिया, इसमें सिर्फ पिक्चर दिया है, जैसे बच्चों को वो समझ में आ जाएगा, बच्चे ये वाले भी पिक्चर देकर फिलिंग द ब्लैंक जंबल वर्ड्स के आराम से कर सकेंगे। अगर आपको मेरा ये जो हेल्पफुल लगे बच्चों के लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।